इन भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों को देख रहे हैं आप, क्या आप बता सकते हैं कि इन पात्रों में क्या रखा है? आपको लग रहा होगा कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य है ना, परंतु ऐसा नहीं है। इन सभी में एक ही जल है। देखिए, परंतु ये भिन्न भिन्न लगते हैं, क्योंकि जिसमें ये जल रखा है उसके रंग को परिभाषित करता है। अब यूं समझिए कि इस पात्र में रखा जल हम है, और ये पात्र वो संगति है जिसमें हम रहते हैं। हमारी संगति के गुण धर्म हमें, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे संप्रेषण को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी संगति पर जिनके साथ रह रहे हैं उन्हें चुनने में सावधानी बरते, क्योंकि जल को अपना पात्र चुनने का अधिकार नहीं है, किंतु हमें अपनी संगति चुनने का अधिकार अवश्य है। जो वस्त्र हरण करेंगे उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगे, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है, और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। अधर्म की ओर धर्म के बढ़ते बाणों को रोकने का प्रयास करने वालों को बाणों की शैया पर विश्राम करना होगा। जो अधर्म की आज्ञा पर शीश झुकाएंगे उन्हें स्वयं का शीश कटाना होगा। अधर्म को ना किसी का कवच बचा सकता है, ना ही किसी के बाण। ऐसा कोई रथ नहीं जिस पर अधर्म चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ग्रास लेगी ये धारा उस अधर्मी को भी, और अनचाहे उसका साथ देने वाले के रथ को भी, जो एक झूठे वचन के लिए सत्य के चक्र के समक्ष आकर खड़ा होगा, उसे स्वयं सत्य के चक्र के साथ धसना होगा। तदामानं श्रीजाम्यहम्। ये तुम्हारे अपमान का नहीं, समस्त स्त्री जाति के अपमान का प्रतिकार है पांचाली। संसार को समझना होगा कि कभी किसी स्त्री को प्रतिशोध के लिए ना ललकारे, क्योंकि प्रतिशोध पाकर मन की अग्नि शांत नहीं होती अपितु और धधकती है। यही है इस महाभारत का संदेश और नियति का उपदेश। आपको संभालो मित्र, एक योद्धा को रोकर विदा नहीं करते।
दुशासन का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुज की अंतिम विधियां पूर्ण करो। कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र वो ज्ञानी होता है। पुत्र मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन और लौट चलो। किसी को तो रहने दो जो हमारा पिंड दान कर सके। चलो पुत्र, लौट चलो। नहीं, अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। मैं इस युद्ध के ऐसे पड़ाव मर पहुंच चुका हूं जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये दलदल या तो मुझे निकल जाएगा और या मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब या तो उन पांडवों का अंत होगा और या तो मेरा। नहीं, उससे पूर्व कदाचित ये युद्ध नहीं रोक सकता। अब ये युद्ध ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और ना ही सम्राट बनने के लिए। ये युद्ध करना है प्रतिकार के लिए। जिन पांडवों ने मेरे 99 भ्राताओं का वध किया उनके वंश का समूल नाश करूंगा मैं। किस चिंतन में डूबे हो युधिष्ठिर? प्रणिपात वासुदेव, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया युधिष्ठिर। हाँ वासुदेव,
मेरा मन अशांत है। बुद्धि पर जैसे भ्रम की धूल सी जमी है। समझ में नहीं आ रहा है वासुदेव की इस महायुद्ध से हमें क्या प्राप्त होगा। आश्चर्य, धर्मराज के मन में ऐसा असमंजस। वासुदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे धर्मराज कह के मत पुकारिए। इस धर्म युद्ध में बिखरे अधर्म की छींटे मुझ पर भी पड़ी हैं। मैं धर्मराज कहलाने योग्य नहीं हूं वासुदेव। युद्ध में शरीर और सेना के बल से अधिक महत्वपूर्ण आत्मबल होता है युधिष्ठिर, और इस प्रकार युद्ध के मध्य में सम्राट का मन दुर्बल पड़ जाए ये उचित नहीं है। तुम ये मत भूलो युधिष्ठिर कि ये महायुद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष की उस प्रजा का भी है जो न्याय चाहती है, जो अधर्म से मुक्ति चाहती है, जो तुम्हें हस्तिनापुर का योग्य उत्तराधिकारी मानते हैं, जो तुम में भारत का योग्य सम्राट देखते हैं। इस युद्ध में तुम्हें सम्राट बनते देखने के लिए अनगिनत सैनिकों ने अपनी आंखें बंद कर ली युधिष्ठिर, और आज भी अनगिनत सैनिक सज्ज हैं अपना बलिदान देने के लिए। एक सम्राट का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे, ना कि स्वयं दुविधा में फंस जाए। किंतु प्रश्न ये है कि सम्राट के मन में ये प्रश्न आया क्यों? कहीं सम्राट को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिय अनुज महायोद्धा अर्जुन पूरे मनोयोग के साथ भाग नहीं ले रहे? कदाचित इसीलिए अंगराज अब तक युद्ध क्षेत्र में है। अंगराज का वध केवल अर्जुन के हाथों संभव है। यदि युद्ध भूमि में अर्जुन अंगराज का वध कर देते हैं तो अवश्य यह संभव है युधिष्ठिर। जीवन भर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। जिस परिवर्तन के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए सबसे पूर्व तुम्हें सशक्त होना होगा। कर्ण, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं वृषाली। लगभग अपने सारे प्रिय खो चुका हूं। हमारी अगली पीढ़ी जिसके लिए मैंने परिवर्तन का स्वप्न देखा था वो तो बची ही नहीं, फिर इस परिवर्तन का क्या लाभ? तुमने जो जो सहा है मुझे उसका भान है कर्ण, परंतु कुछ नवीन पाने के लिए बलिदान करने ही पड़ते हैं। युद्ध में योद्धा वीरगति प्राप्त करता है ये भी जानते थे, धन की, प्राण की, अपनों की हानि होती है ये भी तुम जानते थे कर्ण। फिर आज ये उद्विग्नता क्यों? इस समय तुम कौरव सेना के सेनापति हो अंगराज, और तुम्हारी सेना को
तुम्हारे मनोबल की आवश्यकता है। उन्हें एक सशक्त सेनापति चाहिए, ना कि एक टूटा हारा योद्धा। हम सबको तुम पे विश्वास है कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ही हो कर्ण जो ये परिवर्तन ला सकते हो। मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए हैं, फिर भी सदा तुमने मेरा साथ दिया, मुझे साहस दिया। मैंने सदैव परिवर्तन चाहा है, उसमें विश्वास रखा है, पर आज हाथ स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। स्वयं को संभालो सर सेनापति, इस तरह टूटो मत, क्योंकि अगर तुम टूटे तो परिवर्तन का वो स्वप्न टूट जाएगा। जी जी, एकांत जी, जी मैं कुछ मत कहो कुंती, समय ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिस मोड़ पर ना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है और ना ही सुनने के लिए। तुम्हें स्मरण है, स्मरण है तुम्हें वो समय कुंती, जब हमारे हस्तिनापुर में हर्ष खुशी उल्लास और आनंद होता था, मुझे दंभ होता था कि मेरे कक्ष में 100 और तुम्हारे कक्ष में 5 दीपक है, परंतु आज मेरा ये कक्ष अंधकार में डूब गया है। एक एक करके इस अभागिन माता ने अपने 99 पुत्र खो दिए हैं। परमात्मा से 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य पाकर भी आज मेरे दोनों हाथ खाली हैं। माता के आंसू तो अपने एक पुत्र के वियोग में सूख जाते हैं, परंतु मैं अभागिन गांधारी अपने 100 पुत्रों के विलाप के लिए अश्रु कहां से लाएगी कुंती, कहां से लाएगी? ऐसा नहीं है दीदी, ये दुर्भाग्य नहीं, हमारी असफलता है। दीपक का धर्म है जलना, ये तो संभालने वाले के हाथ में है कि वो उस दीपक से प्रकाश करवाता है। क्या अपने घर को स्वाहा कर लेता है, क्या अपने संतान पर अपना नियंत्रण खोने के कारण ये युद्ध हुआ है, जिसका परिणाम हम माताएं भुगत रही हैं। जो पीड़ा आपकी अजीज वही पीड़ा मेरी भी है। आज हम जिस परिस्थिति में, मैं भी स्वयं उसी परिस्थिति में बंधी हूं। भाइयों को लड़ते देख कौन सी माता प्रसन्न हो। Thank you.
जोड़ती हूँ, दोनों रुक जाओ। ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा क्या हो गया कि आपको इस समय यहाँ आना पड़ा? कुछ शुभ शब्दों ने मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ। जिस माता के सारे पुत्र युद्ध पर हों, उस माता का मन व्याकुल होना स्वाभाविक है। बात ये नहीं, मैंने दुःस्वप्न देखा। कैसा दुःस्वप्न? तुम बांझड़ा आगे जा रहे हो, अर्जुन भी सजा है, पर दोनों ने बांध संधान कर दिया। और मैं बीच में आ गई, किंतु तुम दोनों ने बांध छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? मेरा सपना टूट गया। जो स्वप्न आपने पूरा देखा ही नहीं, उसके लिए आप व्यथित क्यों हो रही हैं? मैं व्यथित तो क्योंकि बाल किसी का भी हो, किसी की भी छाती भेद, पीड़ा मेरे कुक को ही होनी है। संसार की दृष्टि में आपकी कुक 5 बार भरी है, या आपका दुर्भाग्य था या मेरा प्रारब्ध। हमें इसे स्वीकारना होगा राजमाता। तुमसे विनती करती हूँ, इस युद्ध को त्याग दो। क्या ये विनती आप अर्जुन से कर सकते हैं? बताइए। विवश, परंतु हम विवश नहीं है पुत्र। छोड़ दो ये युद्ध पुत्र, छोड़ दो। पिताश्री, आपके पिता के आदेश के साथ साथ हमारा आदेश भी सम्मिलित है पुत्र, छोड़ दो ये युद्ध। पुत्र, ये युद्ध परिवर्तन के लिए नहीं, विनाश के लिए। समझ लो कि हम अपने पालन पोषण के ऋण का मूल्य मांग रहे हैं तुमसे। लौट चलो पुत्र, लौट चलो। लौट चलता, लौट चलता यदि मैं केवल राधेकरण होता। अब मैं कौरव सेना का सर सेनापति हूं पिताश्री, मैं नहीं लौट सकता।
मेरा कर्तव्य है। आपका आदेश ना मानने के लिए मुझे विवश कर रहा है। मैं नहीं लौट सकता माता। ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना असत्य नहीं होता है पुत्र। आपका स्वप्न टूटा है राजमाता, परंतु मेरा वचन नहीं टूटेगा। सूर्योदय होने को है, मेरा अर्घ देने का समय हो गया। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आयुष्मान भव। नहीं माता, चलता। यशस्वी भव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। गुरुदेव आप यहां? मैं तुम्हें कुछ स्मरण कराने आया हूं राधे। मुझे स्मरण है गुरुदेव, अर्घ्य देते समय मुझसे कोई कुछ भी मांगे उसे मैं पूर्ण करूंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा यदि मेरे गुरु मुझसे कुछ मांगे। आदेश दीजिए गुरुदेव। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूं पुत्र, तुम्हें कुछ और स्मरण कराने आया। क्या गुरुदेव? जब तुम मेरे पास दीक्षा के लिए आए थे तो मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र देकर भी उसे तुम्हारे लिए निष्क्रिय कर दिया था। स्मरण है मुझे, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि गुरु का श्राप भी आशीर्वाद होता है। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं गुरुदेव। परंतु मुझे दुख है पुत्र, मुझे दुख है, और मैं तुम्हें यही स्मरण कराने आया हूं।
उस भूल का पश्चाताप करने के लिए मैंने तुम्हें विजय धनुष दिया था। मेरा श्राप तुम्हारे साथ है और पश्चाताप भी पूर्ण हो। समय आ गया है कर्ण उस विजय धनुष को धारण करने का। विजय धनुष का आवाहन करो और विजय धनुष को धारण करो। जब तक वो विजय धनुष तुम्हारे हाथों में रहे, इस संसार में कोई भी शत्रु तुम पर विजय नहीं पा पाएगा।